हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? और आज आप लोग को लेके आया हूँ नया रेसिपी, थारो रूट विथ ड्राई फिश। और गाइस, जो लोग मेरा चैनल को अभी नया से देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो आप लोग को दिखाते हैं उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। इंग्रेडिएंट में है, ये है थारो रूट, देखो, और ये है टमाटर, मैंने दो धो लिया, और ये है ड्राई फिश, मैंने इसको बहुत सफ़ा से क्लीन करके ले लिया, देखो पेट भी सफ़ा कर दिया और माथा भी नहीं दिया, और प्याज, और ये है हरी मिर्च, इसमें ज़्यादा चाहिए हरी मिर्च, और इसमें मैं लहसुन कूट के ले लिया। अभी मैं ड्राई फिश को थोड़ा सा तेल लेके फ्राई करेगा, रवा भी धाई दिया और तेल भी ऐड कर दिया था, थोड़ा सा दिया मैंने बस ड्राई फिश पकाने के लिए। देखो मैं ऐड करेगा, तेल गर्म हो गया, मैंने बहुत सफ़ा से क्लीन किया है ये ड्राई फिश को, बस थोड़ा देर तेल लेके इसको फ्राई करना है। देखो हो गया, मैंने हल्का सा फ्राई कर दिया था इसको, ज़्यादा नहीं पकाना है इसको क्योंकि बाद में इसको सब्जी में डालेगा, तो इसको हल्का सा ही फ्राई करना है। हो गया, अभी मैं थारो रूट को बनाने के लिए कढ़ाई बिठा देगा। देखो हम लोग का तेल भी गर्म हो गया, आप लोग जब भी थारो रूट बनाएगा तो तेल थोड़ा ज़्यादा ही दीजिए। देखो अभी मैं इसमें हरी मिर्च ऐड कर देगा पहले, और मिर्चा भी ज़्यादा दीजिए क्योंकि ये थोड़ा खुजली होता है, इसलिए थोड़ा चिली ज़्यादा देगा तो अच्छा होता है। अभी मैं इसमें प्याज ऐड कर देगा, और अभी प्याज को मैं थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक रखेगा, बस थोड़ा सा जलाएगा इसको, ज़्यादा नहीं, गोल्डन ब्राउन करेगा। हल्दी ऐड करेगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ऐड करेगा और थोड़ा देगा, अभी अच्छे से मिलाएगा इसको। हम लोग का प्याज हुआ नहीं है और थोड़ा टाइम रखना पड़ेगा। देखो हम लोग का प्याज की थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो गया, अभी इसमें थारो रूट डालेगा। मैंने बहुत धो के सफा से रख दिया था, देखो थारो रूट दो या तीन किस्म का भी होता है अलग अलग, ये सबसे छोटा वाला है, इससे बड़ा वाला भी है, मीडियम वाला भी है। देखो अभी मैं इसको लो फ्लेम में रख के फ्राई करेगा, और बीच बीच में भी देखेगा, देखो मैंने बीच बीच में भी देखा था, अभी और एक बार देख लेता है पका के लिए। देखो मौका मतलब थोड़ा सा तो पक गया क्योंकि इसमें तेल निकाल के आया, हाथ से मिलाएगा, और अभी मैं इसमें नमक ऐड करेगा अपना स्वाद का हिसाब से। अपना स्वाद का हिसाब से नमक ऐड करेगा, अभी मैं इसमें लहसुन जो मैंने रफली कूट के लिया था उसको ऐड करेगा फ्लेवर के लिए। अभी अच्छे से मिलाएगा, जब तक लहसुन का कच्चापन का गन नहीं जाता है तब तक इसको फ्राई करेगा, 5 मिनट तक रखेगा। उसके बाद मैं इसमें टमाटर ऐड करेगा, मैं इसको ढक के रखेगा लो फ्लेम में ही 5 मिनट तक। 5 मिनट हो चुका है, अभी मैं देखती हूँ, अभी मैं इसमें टमाटर ऐड करेगा। ये सब्जी में हम लोग को खट्टा देना ज़रूरी है, आप लोग के पास अगर टमाटर नहीं होगा भी इमली देने से होगा, और अगर आप लोग के पास नींबू और नींबू होगा भी नींबू भी ऐड कर सकते हैं इसका रस, पर ये सब्जी में ज़्यादातर इमली अच्छा होता है, तो अच्छे से मिलाएगा। अगर हम लोग इसमें खट्टा ऐड नहीं करेगा तो हम लोग का गला खुजली होगा, इसलिए मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ। आप लोग के पास इमली होगा तो आप लोग इमली ऐड कीजिए। अभी मैं इसको टमाटर को पकने तक इसको ढक के रखेगा, और बीच बीच में भी देखेगा, तो अभी देखते हैं हम लोग का टमाटर नरम हुआ कि नहीं। देखो हम लोग का टमाटर भी नरम हो चुका है। अभी मैं इसमें जो हम लोग ने ड्राई फिश फ्राई करके रखा था उसको ऐड कर देगा, देखो
ड्राई फिश को ऐड करेगा और अच्छे से मिलाएगा और इसको ज़्यादा टाइम नहीं रखेगा, बस अभी और लो फ्लेम में 10 मिनट तक रखेगा। और गाइस, अगर आप लोग को यहाँ तक मेरा रेसिपी अच्छा लगा है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो आप लोग को दिखाती हूँ 10 मिनट के बाद। 10 मिनट हो चुका है, अभी देखते हैं। देखो बहुत अच्छे से पका और बहुत अच्छे से तेल भी निकाला है और बहुत अच्छे से खुशबू भी आ रहा है। देख के भी बहुत मज़ा आ रहा है इसको, सब्जी को। देखो हो गया हम लोग का सब्जी रेडी। अभी मैं इसको बंद कर देगा और आप लोग को टेस्ट करके दिखाती हूँ कैसा बना आज का हम लोग का डिश। गाइस, मैं लेके आ चुका हूँ, ये है हम लोग का थारो रूट विद ड्राई फिश और साथ में लेके आया मैंने पोटल फ्राई और स्क्वाश का पत्ता। चलो अभी आप लोगों को मैं टेस्ट करके दिखाती हूँ कैसा बना। चलो अभी टेस्ट करके दिखाती हूँ कैसा बना। बहुत स्पाइसी बना। और गाइस, आप लोग भी जब भी ये रेसिपी बनाएगा तभी आप लोग थोड़ा खट्टा तो ऐड कीजिए, जैसे टमाटर या इमली। इमली तो ज़रूरी है इसमें, ये थारो रूट में बहुत टेस्टी बना। आप लोग भी ऐसा ट्राई करके देखिए। और गाइस, अगर आप लोग को ये रेसिपी अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, जब भी मैं ये वीडियो अपलोड करूँ आप लोग को नोटिफिकेशन मिले। बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड लव यू। मिलते हैं आप लोग को फिर से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।